राजस्थान में जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 99 के चक्र में फंसी कांग्रेस को अब सरकार गिरने का डर सताने लगा है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सचिन पायलट पर डोरे डाल रही है। दरअसल कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर इसलिए है क्योंकि 14 तारीख को जब विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा तो सीएम गहलोत को 101 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अंकों के खेल में गहलोत पिछड़ रहे हैं, जिसके बाद सीएम गहलोत ने ही सचिन पायलट को लेकर नरमी दिखाई है और अब कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। हालांकि साफ साफ नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बयानबाजी से ऐसा ही लग रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट को पहले आकर बातचीत करनी चाहिए, पायलट बाहर आए और अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उसके बाद ही उनकी वापसी पर कोई बातचीत हो सकती है। वहीं सुरजेवाला ने दावा किया है कि राजस्थान में कांग्रेस के पास 102 से ज्यादा विधायक का समर्थन है। इससे पहले उन्होंने 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। हालांकि सुरजेवाला की ये दोनों दावे झूठे हैं। आपको बता दें कि पायलट समेत 19 विधायकों ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया है, जिससे सरकार खतरे में पड़ गई है। गहलोत अपने समर्थक विधायकों को जैसलमेर में रखे हैं। हालांकि कांग्रेस पायलट को पहले भी मनाने की कोशिश कर चुकी है, उनसे बातचीत करने के लिए कई नेताओं को भेजा, लेकिन पायलट समेत कोई भी बागी विधायक अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। सचिन पायलट ये भी साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले गहलोत ने पायलट पर कई बार टिप्पणी की, लेकिन अब सरकार गिरता देख गहलोत भी पायलट के सामने नतमस्तक हो गए हैं। हालांकि असली खेल 14 अगस्त को ही होगा, जब विधानसभा में गहलोत बहुमत साबित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।